में हमारे आदिवासी भाइयों को जबरदस्ती विस्थापित करके हटाया जा रहा है। आज कानून बना 2005 में, लेकिन आज दिनांक तक सरकार ने कम्युनिटी सामुदायिक अधिकार नहीं दिए। जिन जमीनों को हमारे टंटिया भील ने, जिन जमीनों को बिरसा मुंडा जी ने, जिन जमीनों को खाचा नायक ने, जिन जवान जमीनों को पूजा नायक ने हमारे लिए बचाया था, आज उन जमीनों को सरकार में रहकर सरकारी गुंडे आदिवासियों से छीन रहे हैं। अगर हमारे से जबरदस्ती जमीन छीने तो हमारे आदिवासी भाइयों को एकजुट होकर आवाज उठाने की जरूरत है, एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और ऐसे नेताओं के पीछे कभी भागने की जरूरत नहीं है जो आपकी आवाज विधानसभा और लोकसभा में नहीं उठे। आप लोग ध्यान रखिए, चुनाव आएगा तो मैं एक नारा देके जाता हूँ कि हमारा नेता कैसा हो जो जय आदिवासी कहता हो, ये आप रख लो। और उनसे गांव में आए प्रचार करने तो पूछना जो जय तो एक नारा है कि अधिकार हमारे जीने के चढ़कर लेंगे सीने से। अनिल गर्वे जी ने बहुत अच्छी बातें कही है कि आज का जमाना जो है हमारे अधिकार भी हमको कोई देने वाला नहीं है। ये जमाना और ये समय क्या है कि अधिकार छीन कर लेने वाला है। तो मैं बोलूंगा अधिकार हमारे जीने के, तो आप लोग बोलिए चढ़कर लेंगे सीने से। मतलब चढ़ना नहीं है किसी के छाती पे, पर एक दहशत पैदा करनी है कि अगर नहीं दोगे तो हम पढ़े लिखे युवा आज इतने जागरूक तो हो गए कि छीन के भी लेने का दम रखते हैं। मेरा यही मतलब है, तो अधिकार हमारे जीने के, अरे अधिकार हमारे जीने के। तो साथियों आज हमारे अधिकारों